प्लीज सब्सक्राइब खबर प्लस 18 फॉर लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स। आपके परिवार को देखो, किसको रंडी बोल रहे हो? मैं इन लोगों के ऊपर पूरा एक्शन लेने वाली हूं। मैं इन दोनों को छोड़ूंगी नहीं, चाहे मेरे जान जाए। मैं रामपुर की धरती छोड़कर नहीं जाऊंगी और इनको सबक सिखाऊंगी। ये कंप्लेंट आप मुख्यमंत्री से करेंगे या थाने पे? देखिए, ये मैं मुख्यमंत्री जी को भी, प्रधानमंत्री जी को भी अवगत कराऊंगी और थाने पे भी रिपोर्ट लिखवाऊंगी। एसटी हसन के ऊपर मैं FIR करूंगी, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ये पार्टी का मामला तो है ही नहीं। आजम ये पर्सनल टिप्पणी करता है, बहुत नेक के साथ, बहुत ही मतलब टैक्टिस के साथ वो इस तरह का बयानबाजी करते हैं, नाम ना लेते हुए सब कुछ कहलाता है। हम पागल नहीं है, वो सत्ता के पीछे पागल है और जनता को ये दिखाना चाहता है कि मुफ्त में पढ़ाई कर रहा है। क्या है? माफिया, शिक्षा के रूप में माफिया है। आपको मैं ये बताना चाहती हूं, कितने गरीब किसानों के जमीन को कब्जा करके यूनिवर्सिटी में रखा है। आप प्रोफेसर, आप चांसलर के रूप में, सांसद के रूप में बड़े बड़े बातें कर रहे हो। क्या रामपुर के इसको रंडी खाना बनाने के लिए ठेका लिया क्या? एक औरत होके ये बात नहीं कहना चाहती थी, लेकिन मुझे मजबूर होके कहना पड़ रहा है। मैं अपील करती हूं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, मैं अपील करती हूं इस देश के प्रधानमंत्री योगी मोदी जी को, इस बात पर वो गौर करे। अगर ये संसद पे इस तरह के आदमी लोगों को रहना है या नहीं रहना है, अगर रहना है तो इन लोगों को सिखाना पड़ेगा किस तरह एक महिला के संस्कार को, एक महिला को सम्मान देना। एक कानून लाना चाहिए और ये कानून लाकर इन लोगों को बर्खास्त करना चाहिए। और मैं आपको ये बताना चाहती हूं, मैं आज चुप रहने वाली जयप्रदा नहीं हूं। आपके हमले से, आपके गाली से मैं रामपुर छोड़ दूंगी। यही तुम और एसटी हसन और आपके दूसरे जितने जो समाजवादी पार्टी हैं, उनके नेता लोग चुप रहेंगे तो हम डर जाएंगे क्या? उन सबके ऊपर मैं एक्शन लेना चाहती हूं और मैं शिकायत करूंगी, चाहे कुछ भी हो, मैं इनके, आपके ऊपर और एसटी हसन के ऊपर शिकायत करूंगी और न्याय मांगने के लिए गुहार लगाऊंगी। और खुद आप सांसद बनने के लिए आपने प्रयास किया है और जनता पागल है, आप जनता को क्या बताना चाहते हो? इस रामपुर को आप क्या दिखाना चाहते हो दुनिया में? आप राज शब्द इस्तेमाल कर रहे हो, बार बार कहते हो कि आपके राज शब्द से, हम गर्व के साथ कहते हैं कि हम राज शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, ये अंडरलाइन करके आप कह रहे हो। कोई हम नाच गाने के यहाँ पे स्कूल नहीं कर रहे, हम यहाँ पे राख खाना ये नहीं बना रहे हैं। क्या रामपुर में ऐसा धंधा चलता है? क्या रामपुर के इस तहजीब को आप खराब करोगे? क्या रामपुर में इस तरह का धंधा चलेगा क्या? तुम क्या कहना चाहते हो यहां के महिलाओं के बारे में? क्या दिखाना चाहते हो? तुमको भाई बोलना हमारे लिए ये गुनाह हो गया? तुम और तुम्हारे एसटी हसन क्या बोल रहे हैं? आज डॉक्टर है, पढ़े लिखा है, जनता ने उनको सांसद बनाया। एसटी हसन साहब, शर्म आना चाहिए तुमको। एसटी हसन ये बोल रहा है, मुझे अफसोस है कि नाच गाने वाले तवायफों को 4 लाख वोट से उनको जनता ने वोट दिया। इस बात पे तुमको दुख है? 4 लाख वोट जयप्रदा को दिया, तवायफ को नहीं दिया। जबान संभाल के रखो। क्या समझते हैं तुम लोग राज शब्द किस लिए इस्तेमाल कर रहे हो? एक बात सुन लो,
जनता चुप नहीं रहेगी। हमारे पार्टी वाले चुप रह सकते हैं, लेकिन आम जनता, आम महिला चुप नहीं रहेगी, इसका जवाब मिलेगा। और यह भी बता दूं, एसटी हसन साहब, आप डॉक्टर होते हुए योर अनफिट फॉर योर प्रोफेशन, तुम डॉक्टर बनने का लायक नहीं है। यही एसटी हसन, एक जमाने में पिछले बार आपको टिकट नहीं मिला तो आपने क्या दिया, आपने क्या बयान दिया, आपने कि हम क्या गलती कर दिया, इस आजम खान ने मेरे को टिकट नहीं दिलाने दिया, आज आजम के पीछे चमचा बन के आप घूम रहे हो। ये मेरे लिए नहीं, आजम साहब, आप शिक्षा के नाम से आपने कितना, कितने लोगों के पैसा आपने उस यूनिवर्सिटी। प्लीज सब्सक्राइब खबर प्लस 18 फॉर लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स।